गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा एसी सर्किट पार्ट थ्री तक हमने स्टडी कर लिया है। आज हम पार्ट फोर स्टडी करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, देखिए तो एसी सर्किट पार्ट फोर हम पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट से क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, मोस्टली सीरीज सर्किट ही आता है। पैरेलल सर्किट देखिए, यहाँ पे देखिए पैरेलल सर्किट्स में जो इम्पोर्टेंट जो है वो तीन नेम होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला क्या होता है, एडमिटेंस, ठीक है, जिसकी हिंदी क्या होती है, प्रवेश्यता। और दूसरा है सस्केप्टेंस, अधिकल्पित प्रवेश्यता। और कंडक्टेंस, चालकत्व, चालकत्व, ठीक है। अब यहाँ देखिए एडमिटेंस किसको कहते हैं, वाइज टू वन अपॉन जेड, मतलब प्रतिबाधा का उल्टा, उसको क्या कहलाएगा वाइज। अब जेड की यूनिट अगर ओम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वन अपॉन ओम, मतलब एम एच ओ। ओ एच एम को क्या लिख देते हैं, मो, एम एच ओ। सस्केप्टेंस क्या हो जाता है, अधिकल्पित प्रवेश्यता। बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, जिस तरह से जेड का उल्टा है, बी क्या होता है, एक्स का उल्टा, प्रतिघात का उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती जिसे हम कह सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, चालकत्व। जी जी कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, जी से, जो क्या होता है, आर का उल्टा, रजिस्टर का उल्टा, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मो। स्टूडेंट्स, एडमिटेंस, सस्केप्टेंस, कंडक्टेंस, प्रवेश्यता, अधिकल्पित प्रवेश्यता, चालकत्व, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिघात क्या होता है, ठीक है। ये सब नाम पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट को सॉल्व कैसे करना है। सीरीज सर्किट में तो क्या होता था, देखिए हमने सीरीज सर्किट जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, VL, VC, VR, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जुड़ते हैं। हमने देखा करंट तो सेम रहती है, तो करंट से कोई डेरिवेशन नहीं होता, वोल्टेज को जोड़कर हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है। जैसे ये वोल्टेज है तो इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच में आर वन एक्सएल पे भी वही वोल्टेज रहेगा, आर टू एक्सी पे भी वही वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ करंट डिविजन मेथड को यूज करके हम इनको पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि करंट डिवीजन मेथड यूज करेंगे पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये अगर मेरा वोल्टेज है तो करंट जो है, मान लीजिए I1 है, R XL, तो सिंपल सी पहले भी बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि अगर R L सर्किट होगा, RL सर्किट होता है, तो करंट क्या करती है, लैग करती है वोल्टेज से। तो देखिए ये अगर V है तो I1 क्या बनाई मैंने, यहाँ पर ये लैग कर रही है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका तो लैग कर रही है, कितने वोल्टेज से, एंगल से, इतने एंगल से। और I2 में किस में जा रही है, R और C, RC सर्किट में जा रही है, इसका मतलब ये क्या करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी। तो यहाँ वोल्टेज बना रही, तो I2 मैं कहाँ ड्रॉ करूंगी, ऊपर की साइड। अब मेरे को I क्या है, एक वेक्टर है जो कि I1 प्लस I2 देता है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को जोड़ दूंगी। ये I1 बनाया, देखो अब दो वेक्टर को जोड़ना भी मैंने आपको सिखाया था ना, तो यहां देखिए यहां पर, एक सेकेंड, यहां पर अगर ये मेरा वेक्टर I1, मैंने यहां जीरो से लेकर I1 ड्रॉ किया। अब I1, ये जो I2 है, ये देखिए ये I2 किस डायरेक्शन में, इस तरह से तिरछी डायरेक्शन में, तो इसके प्रथम वेक्टर के लास्ट बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे और I2 ड्रॉ करेंगे, जितना लंबा I2 है उसी I2 की ही डायरेक्शन में, यहां तक ये बना। तो जीरो से लेकर जब द्वितीय वेक्टर के अंतिम बिंदु को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा टोटल वेक्टर I, ठीक है। ये हम वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर इसलिए सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, जिससे कि आपको यहां दिक्कत ना आए। तो मेरा आई बन गया, तो आई वन प्लस आई टू क्या हो गया, आई हो गया। अब ये जो आई आया, ये क्या हुआ, मान लो ये I1 ज्यादा थी, I1 ज्यादा थी तो मतलब एक्सएल वाली करंट ज्यादा थी, तो I जब टोटल एग्रीगेट करंट आई वो मेरी क्या आई, लैगिंग में आई, क्योंकि L मेरा ज्यादा था। RLC सर्किट में मैंने समझाया था आपको कि अगर VL ज्यादा होगा या फिर इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट क्या करेगी, लैग करेगी अगर कैपेसिटर से। तो यहां पर भी देखिए आई वन ज्यादा है जो इंडक्टर के अंदर करंट बह रही है, इसके कंपेरिजन में, आई टू के कंपेरिजन में, तो एग्रीगेट करंट भी क्या होगी, नीचे ही बनेगी। अगर I2 ज्यादा होता और I1 छोटा होता तो एग्रीगेट करंट ऊपर बनती और वोल्टेज से लीड करती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। अब हमें पता है भाई I1 जो है वोल्टेज तो V, I1 हो चाहे I2 जा रही हो, या तो ये हो चाहे ये हो, वोल्टेज तो दोनों का सेम रहेगा। तो
आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन जेड वन। जेड वन क्या होगा, आर और एक्सएल का सीरीज सर्किट पढ़ा था ना, आर एल सीरीज सर्किट, तो इसमें जेड वन की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, तो क्या होगी, रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और जेड टू की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ आर टू का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। बहुत ईजी है अपन को ये सॉल्व करना, वी कॉमन ले लिया, वन अपॉन जेड वन प्लस जेड टू रह गया, जेड वन देखो ये जेड टू लिख दिया अपन ने। अब दूसरी क्या करेंगे, आई इजल टू आई वन प्लस आई टू। अब ये जो वन अपॉन जेड वन वन अपॉन जेड टू हमने अभी भी पढ़ा था, एडमिटेंस क्या होता है, वन अपॉन जेड, तो वन अपॉन जेड वन यानी वी वाई वन और वन अपॉन जेड टू वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू को टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, वी इंटू वाई। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत इजी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप जेड वन जेड टू निकालिए और आई, हमेशा ध्यान रखना करंट डिवीजन मेथड यूज करना, और आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू एग्रीगेट आई निकाल दीजिए, वोल्टेज आपको दिया होगा, इनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। अब अगर कोई पूछे वाई वन निकालो और वाई टू निकालो, तो वाई वन भी बहुत इजीली निकल जाएगा, वन अपॉन जेड वन वन अपॉन आर वन प्लस आई टू एक्सएल। ये मैंने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट संयुग्मी सम्मिश्र राशियां जब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था ना, अगर आपको डिवीजन सॉल्व करना है तो यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, माइनस हो, ये आयोटा के आगे के साइनों को बदल के इस तरह से कर देंगे, तो ये एक को आर वन माइनस आई एक्सएल से गुणा किया तो क्या है, आर वन माइनस आई एक्सएल। और ये ध्यान दीजिए, ए प्लस आयोटो भी, ए माइनस आयोटो भी हमेशा क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने रियल पार्ट वास्तविक और आभासी को अलग कर दिया, तो देखो वास्तविक आर वन अपॉन आर वन प्लस का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस आयोटा, ये देखो माइनस आयोटा था, इसके साथ क्या था, एक्सएल, एक्सएल अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये नोटिस करने की बात है, जैसे अपन आर प्लस आयोटा एक्सएल, आर प्लस आयोटा एक्सएल लिखते हैं, तो जो वास्तविक पार्ट जो आता है वाई में, वाई इजिकल टू जो होता है, जिस तरह से जेड इजिकल टू क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, आर प्लस आयोटा एक्स, उसी तरह से वाई को क्या लिखते हैं, जी प्लस आयोटा बी। अब यहाँ पर जो भी साइन होगा प्लस जी प्लस माइनस आयोटा बी, है ना, जैसे उसमें क्या होता था, आर प्लस आयोटा एक्सएल, आर माइनस आयोटा एक्स सी, कैपेसिटर के केस माइनस आ जाता था, उसी तरह से यहाँ पर जो भी साइन आएगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे और क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन, ये जो आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये क्या हुआ जी वन, और एक्सएल अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर क्या हुआ बी वन। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने की, जो कंडक्टेंस जी था वो क्या था, वन अपॉन आर, लेकिन जब R और XL दोनों सर्किट में है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका Y1 जो निकलेगा उसमें जो ये क्या है, एक तरह से और वो वास्तविक भाग है, तो जब हम पूरा सॉल्व करके जो निकालते हैं, तो जो वास्तविक भाग होगा वो क्या कहलाएगा, G1, और जो आभासी होगा वो क्या कहलाएगा, B, G और B। इस तरह से हम G और B निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी ये मत कर देना वन अपॉन आर और वन अपॉन, यहाँ पर आप बोल दो कि जी तो क्या होता है आर का उल्टा होता है, तो जी क्या हो जाएगा वन, जी वन क्या हो जाएगा वन अपॉन आर वन, और बी वन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्सएल। यहाँ से ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सॉल्व करो, फिर सॉल्व करने के बाद जो आभासी होगा वो तो बी कहलाएगा और जो रियल होगा वो जी कहलाएगा, इन केस ऑफ जब दोनों सीरीज में हो। अगर अलग अलग है, सिर्फ यहाँ पर आर ही होता तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे जी इजिकल टू वन अपॉन आर, ठीक है। यहाँ देखिए इसी तरह से y2 निकाला वन अपॉन जेड टू, वही इस तरह से इसको सॉल्व किया, तो ये देखो मैंने अभी सिखाया था ना, वहां पर जी वन माइनस आयोटा था, यहाँ पर क्या आ गया प्लस जी टू प्लस आयोटा बी टू। ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग इंडक्टर के केस में जब अपन आर वन प्लस आयोटा एक्सएल आता है, तो जब अपन इंडक्टर के केस में पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं ना, तो नेगेटिव साइन आएगा, उल्टा होता है जस्ट सीरीज का। और जब कैपेसिटर वाला, जब देखो आर टू माइनस आई टैक्स था ना, नेगेटिव लिया था, तो अब जब कैपेसिटर के लिए एडमिटेंस निकालेंगे तो उसमें क्या होता है पॉजिटिव साइन आता है जी टू प्लस आई टू बी टू। तो ये कोई याद रखने वाली चीजें नहीं है, आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली साइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वाई इजिकल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, एग्रीगेट वाई निकालना है तो वाई वन प्लस वाई टू होगा ना, जी वन प्लस जी टू, और जो इमेजनरी पार्ट होंगे वो एक साथ जुड़ते हैं और वास्तविक अलग से जुड़ते हैं, तो वही आर प्लस आयोटा एक्सएल वाला। तो क्या किया था, रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से वाई निकालने के लिए मैंने क्या किया, रूट ऑफ जी वन प्लस जी टू का होल स्क्वायर प्लस बी टू माइनस बी वन का होल स्क्वायर। अब देखिए कुल धारा क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई वन इज इक्वल टू वी इंटू वाई वन, आई टू इज इक्वल टू वी इंटू वाई टू। अगर देखो कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली आई पूछे तो आपको इसमें इतना वाई वन वाई टू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई तो डायरेक्टली आप कहां से निकाल दोगे। ये देखिए मैंने आई का तो डायरेक्टली आपको v अपॉन जेड वन प्लस वी अपॉन जेड टू करके यहाँ से निकाल दोगे। ये सब आगे की प्रोसेस तो हमें कब करनी है, अगर हमसे कोई पूरा yp पूछे क्वेश्चन में, अगर कोई बोला जाए कि
y भी आप फाइंड कीजिए, तब हम क्या करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे. ओके, तो आपको ये बिल्कुल पैरेलल सर्किट सॉल्व करना बता दिया गया है. आई होप कि आपको इसमें डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए आपसे होते हैं या नहीं. ओके, थैंक यू, बाय.